आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बाद ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज हो रही है, जो पहला टी20 मैच भारत ने 2 विकेट से जीतकर सीरीज को 1-0 से आगे बढ़त बना ली है। वहीं दूसरा टी20 मैच जो आज 7 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला गया था, इसमें इंडिया की टीम ने 44 रनों से जीत दर्ज की और भारत की ओर से 3 अशतकीय पारी निकली, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन ने 3 अशतकीय पारी निकली और टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में खेला गया था। आमंत्रण में उतरी इंडिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 235 रन बनाए और इंडिया की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ रहे, जिन्होंने 58 रन बनाए और यशस्वी जायसवाल ने 53 रन बनाए, ईशान किशन ने 52 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट नाथन इल्स ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 191 रन बना दिए और ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज मार्कस एस्टोनिस रहे, जिन्होंने 45 रन बनाए और मॉर्टी वेज ने 42 रन बनाए, टीम डेविड ने 37 रन बनाए। भारत की गेंदबाजी की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई ने सबसे ज़्यादा 3-3 विकेट लिए। दूसरे टी20 मैच की प्लेइंग 11 में इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अक्षदीप सिंह, मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा और ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 में स्टीव स्मिथ, मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिश, मार्कस एस्टोनिस, टीम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू वेज, शेन एबॉट, नाथन इल्स, एडम जाम्पा और तनवीर सागा था। ऑस्ट्रेलिया के टीम ने पिछले मैचों की अपेक्षा 2 बदलाव किए गए थे। जॉसन बेयर डफो और ऑरिन हदिल की जगह ग्लेन मैक्सवेल और एडम जाम्पा को खिलाया गया था। आमंत्रण में उतरी भारत की टीम की ओर से पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने 25 गेंदों पर 53 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 212 का रहा। कैच एडम जाम्पा बोल्ड नाथन इल्स, ऋतुराज गायकवाड़ ने 43 गेंदों पर 58 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 134.88 का रहा। कैच टीम डेविड बोल्ड नाथन इल्स, ईशान किशन ने 32 गेंदों पर 52 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 162.5 का रहा। कैच नाथन इल्स बोल्ड मार्कस एस्टोनिस, सूर्य कुमार यादव ने 10 गेंदों पर 19 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 190 का रहा। कैच मार्कस एस्टोनिस बोल्ड नाथन इल्स, रिंकू सिंह ने 9 गेंदों पर 31 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 344.44 का रहा और नाबाद रहे। तिलक वर्मा ने 2 गेंदों पर 7 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 350 का रहा और नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने 15 एक्स्ट्रा दिए, जिसमें लेग बाई 2, वाइड 12 और 9 बॉल 1 थी। इस तरह इंडिया की टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 235 रन बनाए। भारत का पहला विकेट 77 के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरा, दूसरा 164 के स्कोर पर ईशान किशन के रूप में गिरा, तीसरा 189 के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव के रूप में गिरा, चौथा 221 के स्कोर पर ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में गिरा। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की ओर से मार्कस एस्टोनिस ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, 27 रन दिए, 1 विकेट चटकाए, उनका इकोनॉमी 9 का रहा। नाथन इल्स ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 45 रन दिए, 3 विकेट चटकाए, उनका इकोनॉमी 11.2 का रहा। ग्लेन मैक्सवेल ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 38 रन दिए, उनका इकोनॉमी 19 का रहा। शेन एबॉट ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, 56 रन दिए, उनका इकोनॉमी 18.7 का रहा। एडम जाम्पा ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 33 रन दिए, उनका इकोनॉमी 8.2 का रहा। तनवीर सागा ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 34 रन दिए, उनका इकोनॉमी 8.5 का रहा। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 6 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, जिसमें मात्र 2 गेंदबाजों को सफलता मिली और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज नाथन इल्स रहे, जिन्होंने 3 विकेट लिए और 1 विकेट मार्कस एस्टोनिस को मिली, बाकी गेंदबाजों को कोई सफलता नहीं मिली।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओर से स्टीव स्मिथ ने 16 गेंदों पर 19 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 118.75 का रहा। कैच यशस्वी जायसवाल, बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा। मैथ्यू शॉर्ट ने 10 गेंदों पर 19 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 190 का रहा। रवि बिश्नोई ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। जोस इंग्लिश ने 4 गेंदों पर 2 रन बनाया। उनका स्ट्राइक रेट 50 का रहा। कैच तिलक वर्मा, बोल्ड रवि बिश्नोई। ग्लेन मैक्सवेल ने 8 गेंदों पर 12 रन बनाया। उनका स्ट्राइक रेट 150 का रहा। कैच यशस्वी जायसवाल, बोल्ड अक्षर पटेल। मार्कस एस्टोनिस ने 25 गेंदों पर 45 रन बनाया। उनका स्ट्राइक रेट 180 का रहा। कैच अक्षर पटेल, बोल्ड मुकेश कुमार। टीम डेविड ने 22 गेंदों पर 37 रन बनाया। उनका स्ट्राइक रेट 168.18 का रहा। कैच ऋतुराज गायकवाड, बोल्ड रवि बिश्नोई। मैथ्यू वेज ने 23 गेंदों पर 42 रन बनाया। उनका स्ट्राइक रेट 182.61 का रहा। और नवाद रहे सेन एबर्ट ने 2 गेंदों पर 1 रन बनाया। उनका स्ट्राइक रेट 50 का रहा। प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। नाथन इंथ ने 4 गेंदों पर 1 रन बनाया। उनका स्ट्राइक रेट 25 का रहा। प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। एडम जंपा ने 3 गेंदों पर 1 रन बनाया। उनका स्ट्राइक रेट 33.33 का रहा। अक्षदीप सिंह ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। तनवीर संगा ने 4 गेंदों पर 2 रन बनाया। उनका स्ट्राइक रेट 50 का रहा। और नवाद रहे भारत के गेंदबाजों ने 10 एक्स्ट्रा दिए, जिसमें लेग 4, वाइड 5 और नो बॉल 1 थी। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 191 रन बनाए और मुकाबले को 44 रनों से इंडिया की टीम ने जीत ली। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट 35 के स्कोर पर मैथ्यू शॉर्ट के रूप में गिरा। दूसरा 39 के स्कोर पर जोस इंग्लिश के रूप में गिरा। तीसरा 53 के स्कोर पर ग्लेन मैक्सवेल के रूप में गिरा। चौथा 58 के स्कोर पर स्टीव स्मिथ के रूप में गिरा। पांचवा 139 के स्कोर पर टीम डिविज के रूप में गिरा। छठा 148 के स्कोर पर मार्कस एस्टोनिस के रूप में गिरा। सातवा 149 के स्कोर पर सेन एबर्ट के रूप में गिरा। आठवा 152 के स्कोर पर नाथन इल्स के रूप में गिरा। नौवा 155 के स्कोर पर एडम जंपा के रूप में गिरा। भारत की गेंदबाजी की ओर से अक्षदीप सिंह ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 60 रन दिए, 1 विकेट चटकाए। उनका इकोनॉमी 11.5 का रहा। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 41 रन दिए, 3 विकेट चटकाए। उनका इकोनॉमी 10.2 का रहा। रवि बिश्नोई ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 32 रन दिए, 3 विकेट चटकाए। उनका इकोनॉमी 8 का रहा। अक्षर पटेल ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 25 रन दिए, 1 विकेट चटकाए। उनका इकोनॉमी 6.2 का रहा। मुकेश कुमार ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 43 रन दिए, 1 विकेट चटकाए। उनका इकोनॉमी 10.8 का रहा। भारत की ओर से 5 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की और 5 गेंदबाजों को सफलता मिली। और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई रहे, जिन्होंने 3-3 विकेट लिए। वहीं अक्षदीप सिंह, अक्षर पटेल और मुकेश कुमार को 1-1 सफलता मिली। तीसरा T20 मैच 28 नवंबर को संध्या 7 बजे से गुवाहाटी में खेला जाएगा। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।